वेलकम टू किरण लर्नर्स एकेडमी। मैं एसके भास्कर। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने एलजेब्रा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड यानी इस फॉर्मूला पर भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आगे भी हम लोग इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अलग प्रकार के भी और भी ट्रिकी क्वेश्चंस और जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा, थ्योरी पर जो बनेगा उस क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड दिया गया, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब और प्लस थ्री एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछा गया है कि इसका मान क्या हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि यहां पर जो ऑप्शन है ये वेरिएबल क्वांटिटी में है, तो वेरिएबल क्वांटिटी में है तो इसको बनाने के दो दो मेथड हो सकते हैं। एक तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू चुन करके भी, न्यूमेरिकल वैल्यू सिलेक्ट करके भी आप बना सकते हो, या फिर अगर हम चाहें कि थ्योरेटिकल बेस्ड में बनाए तो भी सही होगा। चलिए दोनों मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक रिवाइज कर दे रहा हूं, पिछले रूल्स में पिछले वीडियोस में हम लोगों ने चर्चा किया था कि यदि a प्लस बी प्लस सी अगर यह जीरो हो जाए तो इसका मतलब होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस थ्री ए बी सी, इसका वैल्यू जीरो होता है दोस्तों। और यही जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखना हो तो इज इक्वल टू हो जाता है थ्री ए बी सी, यानी ये बराबर हो जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। हमारे पास जो कंडीशन है यहां पर कि दे दिया गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड लिखा गया, इसका मतलब कि x प्लस वाई प्लस और z को माइनस जेड के रूप में लिख देंगे तो ये बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यह a की जगह पर है, y b की जगह पर है और माइनस जेड c की जगह पर है। तो इस प्रकार से अगर तीनों को क्यूब किया जाए, मतलब कि x का क्यूब कर दिया जाए, उसी तरह से y का क्यूब कर दिया जाए, उसी प्रकार से अगर हम z का क्यूब कर दें यानी माइनस जेड का क्यूब कर दें, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस थ्री ए बी सी, मतलब थ्री मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई और मल्टीप्लाई माइनस जेड बराबर क्या होना चाहिए दोस्तों, ये जीरो होना चाहिए। तो इस हिसाब से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और माइनस, माइनस का पावर थ्री रहेगा तो माइनस ही होगा, माइनस जेड क्यूब और माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये प्लस हो जाएगा तो प्लस थ्री एक्स वाई जेड, इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, जीरो आएगा। यही हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस जेड क्यूब और प्लस थ्री एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, तो ये जीरो आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो दूसरा रूल के अकॉर्डिंग के बारे में मैं बात कर रहा था वो भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कंडीशन के रूप में दे दिया गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड लिखा गया, इसमें आप कोई भी नंबर चूज कर लो, जीरो भी चूज कर सकते हैं, वन भी चूज कर सकते हैं, माइनस वन टू जितना भी हो, लेकिन कंडीशन फॉलो करना चाहिए, ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो अगर हम मान के चलिए कि x बराबर वन चूज कर लें और y बराबर अगर हम या तो जीरो चूज कर सकते हैं या फिर वन भी कर सकते हैं, तो जेड का वैल्यू उससे अलग होगा। तो मान लीजिए कि वाई को हम जीरो ही चूज कर लिए, तो इस हिसाब से जेड कितना होगा दोस्तों, वन, क्योंकि यहां पर अगर वन रखते हैं तो वाई की जगह पर जीरो रखना पड़ेगा और जेड इस हिसाब से वन हो जाएगा। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और प्लस ये माइनस जेड क्यूब लिखा गया है, तो इसको आप माइनस जेड क्यूब लिख दो, माइनस जेड क्यूब और प्लस थ्री एक्स वाई जेड, इसका वैल्यू हमें पूछा गया। तो x का वैल्यू क्या रखना है दोस्तों, इसका रखना है वन, y का वैल्यू क्या रखना है जीरो, क्योंकि यहां पर जीरो हमने कंसीडर किया, z का वैल्यू कितना रखना है वन, तो इसका हो गया माइनस वन का क्यूब और प्लस थ्री मल्टीप्लाई वन और y का वैल्यू जीरो हो गया और z का वैल्यू वन हो गया। तो इस हिसाब से वन माइनस वन, क्योंकि ये जीरो हो गया और ये भी पोर्शन जीरो होगा क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई है, तो वन माइनस वन का मतलब हुआ जीरो, यानी जीरो आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब और माइनस थ्री ए बी सी बराबर जीरो है, ये दिया हुआ है, तो आखिर ये क्या होगा, क्या हो सकता है, इस कंडीशन पे हम लोग विचार करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें इसमें विचार क्या करना है दोस्तों, कि क्या क्या इसमें संभव हो सकता है। जैसे कि अगर यह इतना दिया गया हुआ है तो उसको हम कंडीशन के रूप में लिखते हैं दोस्तों। अभी जैसे हमने बताया कि हमारे पास जो पिछले थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने बताया, तो उसी हिसाब से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस थ्री ए बी सी अगर लिखा हुआ रहे
तो इसका दोस्तों वैल्यू होता है ए प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, यानी इस प्रकार से हम ये वैल्यू ले सकते हैं दोस्तों। तो इसमें जो ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जा रहा था, यही वजह है कि ये सभी जीरो हो जा रहा था, ठीक है। तो अब जो हमारे पास कंडीशन जो दिया गया है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो कंडीशन में क्या लिखा गया है कि ये जो दिया गया क्वेश्चन, इसी के आगे हम लोग तोड़ना शुरू करते हैं इसको। जैसे इसे लिखा जा सकता था ए क्यूब, यानी इसको लिखा जा सकता था ए क्यूब, तो चलो ए क्यूब लिख दिया हमने। बी क्यूब को लिखा जा सकता था प्लस और माइनस बी का क्यूब, ऐसे लिख देते हैं हम। सी क्यूब को लिख देते हैं प्लस और माइनस सी का क्यूब लिख देंगे। उसी प्रकार से माइनस थ्री ए, ए को ए रख दिया, बी की जगह पर रखेंगे माइनस बी और सी की जगह रखेंगे माइनस सी। अब मल्टीप्लाई होकर के तो ये जीरो होना ही है दोस्तों, तो ये इतना जीरो हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि अभी जैसे हमने बताया कि अगर यह इतना बराबर ए प्लस बी प्लस सी अगर ये पूरा दे दिया गया है, तो या तो जीरो होने पर ए प्लस बी प्लस सी जीरो होने पर यह इतना बराबर जीरो होगा, या नहीं तो क्या करना पड़ेगा। कंडीशन को एक बार मैं पिछले क्वेश्चन की तरफ चला जा रहा हूं कि या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर यह जीरो होगा, तो उस हिसाब से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर जीरो होगा, या फिर इसका उल्टा कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी जीरो होता है, तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो बिल्कुल होना चाहिए। तो इस हिसाब से जो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस थ्री ए बी सी के रूप में अगर ये जीरो लिखा गया है, डेफिनेटली इसका मतलब दोस्तों ये होगा कि ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी बराबर ये जीरो होना चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इस हिसाब से ए बराबर हो जाएगा बी प्लस सी, क्योंकि बी और सी माइनस में है, राइट साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इस हिसाब से a बराबर b प्लस सी, ये हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। तो अब हमारा जो ऑप्शन है ये कौन सा ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन में है a बराबर b प्लस सी, यानी फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसी प्रकार से जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि a प्लस b प्लस सी बराबर जीरो है, तो ए क्यूब यानी ये a माइनस फोर का क्यूब, b माइनस थ्री का क्यूब और फिर c माइनस वन का क्यूब, और फिर ये कंडीशन दिया गया कि इसका मान क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले जो मान जो होगा वो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, सही मायने में इसको हम x मान करके बनाते हैं, कि मान के चलिए x जो है आपका ये क्या है a माइनस फोर है। उसी प्रकार से y बराबर क्या है v b माइनस थ्री के रूप में दे दिया गया, और z बराबर क्या लिखा गया c माइनस वन। तो इस हिसाब से दोस्तों कि अगर हम x लिख दें प्लस y लिख दें और प्लस z लिख दें, तो इसका मतलब हो गया a माइनस फोर, फिर हो गया b माइनस थ्री और यह c माइनस वन। तो अब इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी प्लस सी, और माइनस माइनस चार माइनस तीन और माइनस एक को जोड़ेंगे तो ये होता है माइनस आठ। और a प्लस बी प्लस सी क्वेश्चन में ही दिया गया है कि इसका वैल्यू है आठ, यानी आठ माइनस आठ का मतलब होता है जीरो। तो जैसे ही हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो गया, तो इस हिसाब से कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस थ्री एक्स वाई जेड जो होगा वो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा किया। तो इसके अकॉर्डिंग जो एक्स का वैल्यू है वो डाल देते हैं, यानी ए माइनस फोर का क्यूब। y का वैल्यू क्या है दोस्तों, यह है b माइनस थ्री, b माइनस थ्री का क्यूब, और z का वैल्यू क्या है c माइनस वन, मतलब c माइनस वन का क्यूब, और माइनस थ्री इंटू ए माइनस फोर, या फिर मल्टीप्लाई में लिख देते हैं इसको b माइनस थ्री, या मल्टीप्लाई में लिख देते हैं c माइनस वन, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, जीरो होना चाहिए, यानी जीरो इसका करेक्ट आंसर होगा जो हमें पूछा गया है। इसका मतलब ऑप्शन फोर जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि x माइनस ए मल्टीप्लाई एक्स माइनस बी बराबर वन दे दिया गया है, और a माइनस बी प्लस फाइव बराबर जीरो दे दिया गया। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, उस क्वेश्चन के बाद का स्टेप मैं लिख रहा हूं कि क्या हम इस क्वेश्चन को अगर हम x माइनस बी लिखें तो क्या इसे 1 बाई एक्स माइनस ए के रूप में लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, तो x माइनस बी बराबर 1 बाई एक्स माइनस ए के रूप में हम लिख सकते हैं। तो अब जो क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि x माइनस ए का
क्यूब माइनस इस पूरे पोर्शन जो है इसकी जगह पर हम लिख देंगे x माइनस बी और उसका पावर 3, क्योंकि यहां पर ये कंडीशन हमारे कंडीशन के रूप में जो दिया गया है उससे हमने निकाल लिया। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का क्यूब, और a माइनस बी के क्यूब के बाद क्या होता है दोस्तों? इसके बाद होता है यह प्लस 3ab और इनटू होता है ए माइनस बी। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो ये जो पोर्शन है वो हमारा ए की जगह है, दूसरा पोर्शन है वो बी की जगह पर है। तो इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी, यानी एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी का पावर 3 और प्लस 3ab, ab की जगह पर एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई एक्स माइनस बी, और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई में लिखेंगे a माइनस बी, मतलब x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो अब यहां पर b से b कट गया दोस्तों, क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो x तो माइनस में जाएगा तो कटेगा। अब उसके बाद ये माइनस b बच रहा है, या चलिए एक स्टेप में इसे लिख ही दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि x माइनस ए लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो x माइनस माइनस में x और प्लस में b का क्यूब और प्लस 3। इसका जो पोर्शन जो है ये दिया गया है, ये 1 दिया गया है, डायरेक्ट हम यहां पर 1 वैल्यू डाल देते हैं और x माइनस ए माइनस एक्स और प्लस बी के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो अब माइनस एक्स से माइनस एक्स दोनों कट गया, तो अब बच रहा है हमारे पास कि यह बच रहा है b माइनस ए का पावर 3 और प्लस 3 गुने ये बच रहा है b माइनस ए, यानी इतना हमें आ गया है। अब जो यहां पर दोस्तों जो क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास कि a माइनस बी प्लस 5 बराबर 0 है, तो क्या हम 5 बराबर b माइनस ए लिख सकते हैं इसको? क्योंकि राइट साइड में b प्लस हो जाएगा और a जाएगा राइट साइड में तो माइनस होगा, यानी b माइनस ए का वैल्यू कितना होगा? 5। तो यहां पर अब b माइनस ए का वैल्यू 5 रख दीजिए, तो 5 का पावर 3 और 3 मल्टीप्लाई 5, मतलब ये हो गया 125 और 5 दिया हो गया 15, यानी 140। 140 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन 4 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की पढ़ेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन ये दे दिया गया कि 999 है और 1000 है और 1001 दिया गया है। तो अब ये पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट में बनाते हैं दोस्तों कि कैसे करना है, कि जैसे ही यह x बराबर 999 दे रहा है आपको और y बराबर दिया जा रहा है आपका 1000 और z बराबर दे दिया गया है 1001, अगर इसके बीच का डिफरेंस 1 हो जाए दोस्तों, यहां से यहां का डिफरेंस भी दोस्तों 1 हो जाए, तो जैसे ही ये जो डिफरेंस होगा, यानी जो अंतर होगा दोनों के बीच में सेम होना चाहिए, यानी 1 भी अंतर हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, कुछ भी, 50 भी अंतर हो सकता है, लेकिन सब में सेम डिफरेंस होना चाहिए, यानी लगातार संख्या में ये सेम डिफरेंस होना चाहिए, पहला और तीसरा से हमें मतलब नहीं है। तो इस हिसाब से जब हमें निकालना पड़ेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz निकालना पड़ेगा, तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तीनों नंबर्स को आपको जोड़ देना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो तीनों नंबर्स को हमने ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई 3 करके और जो डिफरेंस होगा उसका स्क्वायर कर देना चाहिए। ये डायरेक्ट रूप में आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, तीनों को ऐड कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और जो डिफरेंस है, डिफरेंस हमारा यहां क्या है दोस्तों? ये है डिफरेंस हमारा यहां पर 1, यानी 1 का स्क्वायर हमने कर दिया। तो अब ये 999 प्लस 1001 प्लस 1, तो ये तो दोस्तों 3000 हो गया। 3000 को अब हम 3 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो हमारा आंसर कितना हुआ दोस्तों? ये हुआ 9000। लेकिन जो अब आपका क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन आपका दे दिया गया है कि एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब है प्लस जेड क्यूब है और माइनस 3xyz और बाई में लिखा गया एक्स माइनस वाई और प्लस जेड, इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों? तो ऊपर वाले का वैल्यू जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो आया है, इसका वैल्यू दोस्तों हमारे पास है 9000, तो हमने 9000 इसको लिख दिया। बाई में एक्स का वैल्यू हमारे पास है 999 माइनस वाई का वैल्यू जो है वो है 1000 और जेड का वैल्यू है 1001, यानी इसको लिखा जा सकता है 9000 और बाई में इन दोनों को जोड़ने पर आता है 2000, 2000 में से 1000 माइनस होगा तो हमारे पास जो इसका वैल्यू आएगा दोस्तों वो आएगा 1000, यानी हम इसको 1000
लिख सकते हैं। अब 1000 में 000 से 000 आप काट देंगे, देयरफॉर जो हमारा आंसर हो गया दोस्तों ये हो गया 9, यानी 9 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसका मतलब ऑप्शन 4 जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन ए क्यू प्लस बी क्यू जो अभी हम जनरली क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है, इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ये जो ट्रिक मैंने बताया कि अगर डिफरेंस सेम होने पर सभी को ऐड कर दीजिए और 3 से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये बहुत जगह पर अप्लाई होगा, लेकिन लगातार संख्या होने पर। ऐसा और भी क्वेश्चंस आगे आएगा तो उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में जो आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कि एक्स बराबर वाई बराबर है 333 और जेड बराबर है 334, तो पूछा गया कि इसका मान क्या है। बिल्कुल अभी प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, कि इसमें क्या था, अंतर क्या था, कि ये लगातार संख्याएं थी, मतलब कि सबके बीच का डिफरेंस एक थी। और जो अभी वाला जो क्वेश्चन दे दिया गया है, इस अभी वाले क्वेश्चन में क्या है कि ये संख्या लगातार जरूर है लेकिन कोई दो संख्या आपस में बराबर है, तो आप कैसे करना चाहिए। तो जब आपके पास एक्स बराबर दे दिया गया है 333 और वाई बराबर दे दिया गया 333 और जेड बराबर दे दिया गया 334, तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, जैसे ही अगर आपसे पूछता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और -3xyz पूछ रहा है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, जब दो संख्या बराबर हो और तीसरा संख्या उससे एक ज्यादा या एक कम हो, तो सिर्फ इसको पूछने पर यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और -3xyz पूछा जाए तो तीनों नंबर्स को जोड़ दीजिए, यही आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। मतलब 333 को दो बार जोड़ दिया और उसके बाद 334 यानी एक्स वाई और जेड तीनों का वैल्यू बैठा दिया। बैठाने पर इसका वैल्यू हो गया दोस्तों 1000, यानी 1000 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन 3 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे करना है, तो जैसे अगर मान लीजिए अगर आपके पास एक्स बराबर कोई जरूरी नहीं है कि ये 333 दे, मान लीजिए कि 50 ही दे दिया, वाई बराबर भी मान लीजिए कि 50 दे दिया और z बराबर 50 के बदले अब 51 दे सकता है या फिर 49 दे सकता है, तो अब आपसे पूछेगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और -3xyz का वैल्यू क्या है, तो सभी नंबर्स को आप जोड़ देंगे वही आंसर होगा, यानी 50 प्लस 50 प्लस 49, यानी 149 जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि सबके बीच का डिफरेंस एक हो, या अभी जो क्वेश्चन बताया कि कोई दो संख्या बराबर हो और तीसरा संख्या उससे एक ज्यादा या एक कम हो, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे जैसा मैंने बताया। अगर इनके अलावा कोई नंबर देता है तब आपको कैसे बनाना चाहिए दोस्तों, तब आपको बनाना चाहिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz का वैल्यू निकालने के लिए बोले, तो आप इस फॉर्मूला पर डायरेक्ट वैल्यू यूज कीजिए 1/2 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड और मल्टीप्लाई में एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, उसी तरह से वाई माइनस जेड का स्क्वायर और उसी तरह से जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी इस फॉर्मूला पे आप रख करके डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये आपके लिए इजी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन दिया गया ये है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 है, 15 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 83 दे दिया गया, तो पूछा जा रहा है इस पूरे का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला हमारे पास है उस फॉर्मूला को लिख लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर प्लस होता है सी स्क्वायर और प्लस 2 मल्टीप्लाई ये होगा ए बी बी सी और सी ए। तो जो जो वैल्यू हमें दिया गया है उस वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 दे दिया गया, तो चलिए 15 का स्क्वायर कर दिया हमने, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका वैल्यू दे दिया गया 83, तो 83 हमने लिख लिया और बराबर प्लस में लिख दिया 2 मल्टीप्लाई इसको लिख लिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन के रूप में ये जो निकालना है कि 2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए हमें निकालना है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, ये होता है 225। अब उसमें से हमें कितना माइनस करना है, उसमें से माइनस करना है हमें 83, तो 83 जैसे ही माइनस कर लिया तो 83 माइनस, चलिए एक स्टेप और लिख दे रहा हूं कि 2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, माइनस करने पर 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2 हो गया और 22 में से 8 माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो गया 14, मतलब 142 जो हो जाएगा ये हमारा वैल्यू आया, 2 से ये कटेगा तो 71 आ गया,
यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू दोस्तों कितना आया, 71 आया। अब जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है उस क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3ABC, ये इसका वैल्यू क्या होगा ये पूछा गया है। तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद लिख सकते हैं हम फॉर्मूला जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और प्लस सी स्क्वायर, और माइनस में होता है माइनस ए बी बी सी और सी ए, ये माइनस के रूप में होता है दोस्तों। तो अब हमें इस क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू को हम वैल्यू इसमें पुट कर देंगे दोस्तों। तो ए प्लस बी प्लस सी का मतलब है 15 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका वैल्यू है 83 यानी 83, और उसमें से माइनस में है ए बी बी सी और सी ए यानी इसका वैल्यू कितना है 71 71, तो 71 से हमने उसमें माइनस कर दिया तो वैल्यू अब हो गया 15 और मल्टीप्लाई 83 में से 71 माइनस होगा दोस्तों, तो ये होता है कितना, ये होता है 12, यानी 12 और 15 का जो मल्टीप्लीकेशन हुआ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 180, यानी 180 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन दो जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसी प्रकार से जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हमारा ये 14 है, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर दे दिया गया है 36। तो पूछा गया कि ए बी सी का मान क्या है, उस एबीसी का मान हमें निकालना है दोस्तों, उस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी जैसे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन किए हैं दोस्तों कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल वही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आपको बताया मैंने कि ए प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू इसका होता है ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो हमें जो इसमें जो दिया गया है उसका वैल्यू डाल देते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी इसका वैल्यू कितना है दोस्तों, 6 है, तो इसको हम डालेंगे तो ये हो जाएगा 36। उसी के बाद से 36 बराबर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दे दिया गया, इसका वैल्यू है 14, तो चलो यहां पर 14 हम रख दिया, और 2 मल्टीप्लाई इसको कर दिया हमने ए बी, फिर कर दिया बी सी और फिर कर दिया हमने सी ए। अब उसके बाद जो हमें निकालना है वैल्यू, निकालना है 2 गुने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और बराबर करना है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और माइनस 14, 36 में से 14 माइनस होगा दोस्तों, तो हमारे पास कितना आता है आंसर, ये होता है 22, यानी इसका वैल्यू 22 हो गया। 22 से को अगर काटेंगे 2 से तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 11। अब इसमें हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पूछा गया है कि एबीसी का मान क्या है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि फॉर्मूला क्या होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3ABC, इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों ये होता है ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पर 36, तो चलिए रख देते हैं इसका नाम 36 रख दिया, और माइनस 3ABC कर दिया, और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 6, तो 6 लिख दिया। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका वैल्यू दे दिया गया 14, और माइनस ए बी बी सी और सी ए का जो आपस में मल्टीप्लीकेशन हुआ गुणा हुआ उसका वैल्यू आया 11, तो 11 से हमने काट दिया। तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6 × 14 में से 11 घटेगा तो ये होता है 3। तो अब इसे लिखा जा सकता है 36 माइनस 36 कितना आता है 18, तो 18 हम यहां पर लिख देंगे और बराबर लिख देंगे हम 3ABC, तो इस हिसाब से 3ABC का वैल्यू कितना होगा 18, क्योंकि 36 में से 18 माइनस हुआ तो 18 हो गया, इसे हम काट देंगे 6, यानी ABC का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 6, यानी इसका आंसर हो गया 6, यानी ऑप्शन सेकंड जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों इसी का जब हम दूसरा मेथड यूज करेंगे जो सेकंड मेथड के रूप में हम यूज करेंगे, तो सेकंड मेथड कैसे यूज कर सकते हैं उस सेकंड मेथड पे आते हैं। जैसे हमारे पास जो सेकंड मेथड है उस सेकंड मेथड में आ जाइए। क्वेश्चन ये लिखा है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 6 दे दिया गया है तो क्या हम एक ए को 1 मान ले और बी को 2 मान ले
और सी को तीन मान ले, अगर ऐसा हम एज्यूम करते हैं तो यह एक प्लस दो प्लस तीन तो बराबर कितना हो गया, छः, कंडीशन फुलफिल कर रहा है। उसी प्रकार से अगर यह एक का स्क्वायर हो जाए, दो का स्क्वायर हो जाए और सी है तीन यानी तीन का स्क्वायर हो जाए, तो इसका मतलब होता है एक प्लस चार प्लस नौ यानी कितना हो जाएगा, चौदह हो गया, यानी हम चौदह के रूप में यानी दूसरा कंडीशन भी फॉलो कर गया। अब रही बात कि तीसरा कंडीशन क्या फॉलो कर रहा है, तो वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो एक का पावर तीन हो गया यानी एक क्यूब प्लस बी का पावर तीन यानी दो का पावर तीन और सी का पावर तीन यानी कि इसको हम लोग तीन का पावर तीन लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एक, दो का पावर तीन का मतलब होता है आठ और तीन का पावर तीन का मतलब होता है नौ यानी सत्ताईस होता है। तीन का पावर तीन का मतलब कितना होता है, सत्ताईस, यानी सत्ताईस प्लस एक अट्ठाईस, अट्ठाईस और आठ मिलकर के हो गया छत्तीस, यानी कि ऑप्शन थर्ड भी फॉलो कर रहा है, यानी क्या रखने पर फॉलो कर रहा है, ए बराबर वन, बी बराबर टू और सी बराबर तीन, ये रखने पर ये वैल्यू पुट कर गया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी का मान क्या है, तो ए का मान है एक, बी का मान है दो और सी का मान है तीन, तो एक दो तीन का मल्टीप्लाई हुआ छः, यानी आंसर छः हो जाएगा इसका करेक्ट। तो ये इसका सेकेंड मेथड हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया कि एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू टू एक्स है, तो इस सभी का वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है दोस्तों। तो अब इसे हम बनाएंगे कैसे दोस्तों, तो जो क्वेश्चन लिखा गया है वो एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया हमने, फिर लिख दिया टू और इज इक्वल टू लिख दिया हमने टू एक्स। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें पावर फोर तक जाना है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो यह हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस, अब 2x को मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई किया x से तो यह हो गया 2x और 2x को फिर x से मल्टीप्लाई किया तो यह हो गया अब 2x स्क्वायर। ये कब हो गया, x से गुणा करने पर, ये गुणा करने पर मैं लिख दे रहा हूं, गुणा करने पर। उसी प्रकार इसको फिर से x से गुणा करेंगे तो अब यह हो जाएगा x का पावर फोर, फिर इसको लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर और अगला टर्म है इसको x से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2x क्यूब, इसको फिर हम x से गुणा करने पर ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम दोनों को सबको ऐड कर देते हैं, ऐड करने पर दोनों तरफ 2x है, दोनों तरफ 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर है। अब कुछ ऐसा है जो कट सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो अब हम ऐड कर रहे हैं इसको, तो x का पावर 4 लिख देंगे। अब इस एक्स क्यूब में से ये टू एक्स क्यूब माइनस होगा तो इसे लिखा जा सकता है दोस्तों माइनस एक्स क्यूब। अब उसके बाद बच रहा है यहाँ एक्स स्क्वायर, तो इसको हमने लिख दिया यहाँ एक्स स्क्वायर, फिर बच रहा है यहाँ पर टू तो प्लस में लिख दिया हमने इसे टू। तो अब उसके बाद इसका काम खत्म, इस दोनों का भी काम खत्म हो गया, उसके बाद एक्स स्क्वायर और टू, तो फाइनली आपके पास राइट साइड में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा यानी जीरो। यानी ये पूछा गया था कि एक्स क्यूब माइनस एक्स का फोर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू का मान क्या होगा, यानी इसका वैल्यू जीरो होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसी प्रकार से जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स और नीचे टू एक्स प्लस वन और सिक्स एक्स माइनस थ्री। तो अब पूछ रहा है कि एक्स का मान क्या होगा, कि इसका मान क्या होगा जब एक्स बराबर क्या दे दिया गया, चार बार नौ दे दिया गया यानी 9999। तो जो आपसे पूछा गया है पहले उसको लिखते हैं, यानी इस कंडीशन जो दिया गया है इस कंडीशन को पहले हम लिख लेते हैं। तो ऊपर वाले पोर्शन में दोस्तों हमारे पास क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन कर लिया, तो अब हमारे पास ये लिखा गया फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन और बाई में क्या लिख सकते हैं, हम बाई में लिख सकते हैं टू एक्स प्लस वन और मल्टीप्लाई इस सिक्स एक्स और थ्री में हम थ्री कॉमन कर ले रहे हैं, तो थ्री कॉमन होने पर ये लिखा गया अब टू एक्स माइनस वन। अब यहां पर दोस्तों हमें इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने पर ये हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन और बाई में तीन को पहले आप लिख दीजिए, हमें ये पता है कि ए प्लस बी और मल्टीप्लाई ए माइनस बी, इसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 2x जो है वो a की जगह पर है और 1 जो है वो b की जगह पर है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। एक स्टेप और लिख दे रहा हूं ताकि समझ में आसानी से आ जाए, तो इसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 1 और y में लिख सकते हैं 3 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों कट गया। तो अब आपके पास बच रहा है x बाई थ्री, एक्स का वैल्यू आप डाल दो, तो x का वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ पर 3999 और बाई में 3, 3 से ये कटेगा कितने टाइम, 3 3 3 3 यानी चार बार 3, तो आंसर आपका
ये हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन थर्ड जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि a प्लस वन बाई ए का स्क्वायर बराबर दिया गया 3, तो आपसे इसके वैल्यू पूछा जा रहा है। तो जो कंडीशन दिया गया पहले उसे लिख लेते हैं दोस्तों कि ये a प्लस वन बाई ए को क्या आप स्क्वायर रूट में 3 लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट हो गया, यानी कि वर्गमूल हो गया एक तरह से, क्योंकि 2 जब दूसरे साइड में जाएगा तो वो उसे वर्गमूल कर देगा। फिर उसके बाद हमारे पास एक रूल था दोस्तों कि a प्लस वन बाई ए का वैल्यू अगर मान लीजिए k है, तो हमें अगर मान लीजिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी ये लिखना हो, तो हमें फॉर्मूला के रूप में पहले देखिए डील कर रहा हूं मैं कि कैसे इसे सॉल्व करना चाहिए। तो ये हो जाएगा a प्लस वन बाई ए का पावर 3 और माइनस 3ab, यानी a की जगह a, b की जगह 1 बाई बी और a प्लस बी। 3 से 3 कट गया दोस्तों, a प्लस वन बाई ए को हमने क्या माना दोस्तों, k माना है। तो इस प्रकार से ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब ये फॉर्मूला बन गया, ये बन गया k का पावर 3 और माइनस 3 मल्टीप्लाई के, क्योंकि ये तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन बना सकते हो दोस्तों, आपको इतना डील करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है। तो अब आपसे पूछा ये गया है कि अगर यह तो k दिया गया, यानी कि a प्लस वन बाई ए बराबर रूट 3 दे दिया, इसे हम k मान सकते हैं। तो हमें पूछा गया कि ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब का मान क्या है, तो फॉर्मूला तो ये है k क्यूब माइनस 3k, तो इसका मतलब रूट 3 का पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई रूट 3। तो 3 का पावर रूट 3 का पावर 3 हो जाए दोस्तों, तो इसको हम 3 रूट 3 लिख सकते हैं और माइनस 3 रूट 3 यानी फाइनली आ गया 0, यानी ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब जो हमें पूछा जा रहा था उसका वैल्यू 0 आ गया दोस्तों। इसमें इस हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 997, 998 और 999 इन सब के बीच में डिफरेंस कितना है दोस्तों, 1। यहां भी डिफरेंस कितना है, 1। ये लगातार डिफरेंस हो और इस प्रकार से इसका वैल्यू पूछा दोस्तों, तो इसे आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, 3 गुने डिफरेंस का स्क्वायर, यानी कि अगर इसमें डिफरेंस एक एक का अंतर है तो ऐसा किया, अगर दो दो का अंतर होता तो 3 गुने 2 का स्क्वायर हम यूज करते। तो इस हिसाब से जो 3 गुने 1 का स्क्वायर यानी आंसर क्या हो गया, 3 हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से पिछले कुछ क्वेश्चंस में दोस्तों हम लोगों ने बात किया था कि अगर क्वेश्चन ये पूछता कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3ABC इसका वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करते, इन सबको ऐड करते, हम ऐड करते यानी 997 लिखते, फिर 998 लिखते, फिर 999 लिखते और इसको मल्टीप्लाई करते हम 3 से मल्टीप्लाई करते और डिफरेंस का स्क्वायर करते। लेकिन यहां पर यह नहीं पूछा गया है, इस वाले में हमें a प्लस बी प्लस सी एक्स्ट्रा दिया जाता है और बाकी तो यही टर्म रहता है दोस्तों, इसीलिए हम a प्लस बी प्लस सी को इस टर्म में इग्नोर करेंगे और डायरेक्ट 3 गुने डिफरेंस का स्क्वायर आंसर कर देंगे। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि अगर आपका क्वेश्चन ये रहता, निकालने के लिए यही दिया जाता और x का वैल्यू हो सकता है कुछ देर के लिए मान के चलेंगे कि 999 के बदले 99 दे देता और y का वैल्यू हो सकता था 100 दे देता और z का वैल्यू दे देता कितना, ये दे देता 101, तभी भी अगर इसका आंसर पूछा जाता दोस्तों, तभी भी वही होता 3 गुने डिफरेंस का स्क्वायर, क्योंकि इन सब के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, यानी तभी भी इसका आंसर कितना होता, तभी भी 3 होता, यानी ऑप्शन 4 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया कि x y में ax by और cz बराबर दिया गया y by ya zb और xc, z by za xb और yc, ये दे दिया गया और बोला गया कि x प्लस वाई प्लस जेड ये 0 नहीं हो सकता, तो प्रत्येक का अनुपात बताइए। तो 0 तो ये बोला है कि तीनों जोड़ करके नहीं देगा, तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों को बराबर ही मान लेते हैं। तो a बराबर क्या मानेंगे, y, यानी x बराबर y मानेंगे और y बराबर क्या मानेंगे, z, और ये बराबर कोई भी संख्या आप मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 जो भी मानना है आप मान लीजिए, तो सबसे ईजी है कि आप 1 ही मानेंगे। तो जो आपका कंडीशन के रूप में जो दिया गया हुआ है, क्या दे दिया गया, पहला कंडीशन कि x बाई, ये वाला जो कंडीशन है कि x बाई एक्स ए प्लस वाई बी और जेड सी, तो x का वैल्यू 1 रख दिया हमने, यहां भी वैल्यू 1 रख दिया तो क्या बन गया, a, यहां पर y का वैल्यू 1 रख दिया तो ये बन गया b
और यहां पर जेड का वैल्यू 1 रख दिया तो ये हो गया सी, यानी 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी आपका आंसर होगा। आप इसमें भी रख लो चाहे इसमें भी रख लो, सब में वही वैल्यू आएगा, यानी करेक्ट आंसर जो होगा वो 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी, यानी ऑप्शन 4 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसी प्रकार से जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, माइनस सी भी दिया है, और b प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर क्या है। दिखने में बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन लग रहा है दोस्तों, लेकिन आपको बनाना कैसे है उस बनाने पर अप्रोच पे चलेंगे। जैसे जो आपको पूछा गया उस पर चलते हैं, ये पूछा गया कि a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, उसी प्रकार से पूछा गया b प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, उसी प्रकार से पूछा गया c प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, ये वैल्यू क्या होगा दोस्तों। तो हमें पता है दोस्तों कि जब a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए तो a प्लस बी बराबर माइनस सी, उसी प्रकार से b प्लस सी बराबर माइनस ए, और उसी प्रकार से a प्लस सी जो होगा वो माइनस बी हम लिख सकते हैं यहां से। तो अब हम इस a प्लस बी की जगह माइनस सी रखेंगे, यानी माइनस सी और फिर माइनस सी का स्क्वायर, उसी तरह b प्लस सी की जगह पर माइनस ए रखेंगे, यानी माइनस ए और माइनस ए का स्क्वायर, और c प्लस ए की जगह पर माइनस बी रखेंगे और फिर माइनस बी का स्क्वायर, यानी इसे लिखा जा सकता है माइनस टू सी का स्क्वायर, फिर लिखा जा सकता है माइनस टू ए का स्क्वायर और माइनस टू बी का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो माइनस है तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस है पावर, पावर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसको प्लस कर देगा, यानी 4 ए स्क्वायर, पहले चलिए इसी को लिख लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर इसको लिख लेते हैं तो ये होगा 4 बी स्क्वायर, और इसको फिर लिखते हैं तो ये होगा 4 सी स्क्वायर। जब 4 कॉमन कर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इस प्रकार से ऑप्शन थर्ड सेम टू सेम है तो ऑप्शन थर्ड जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पहला अभी जस्ट बताया गया, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि x बराबर 2015, y बराबर 2014 और z बराबर 2013 दिया गया, तो इसका मान क्या है। तो 2015 और 2014 में कितना का अंतर है दोस्तों, एक का। उसी प्रकार 2014 और 2013 में कितना का अंतर है, तो ये भी है एक का। तो अब पूछा गया कि इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगा वो 3 गुने जो डिफरेंस होगा उसका स्क्वायर। तो डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, एक, यानी होगा एक का स्क्वायर, यानी आंसर हो गया 3, यानी 3 इसका आंसर करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। पिछले क्वेश्चंस में हमने इस पर चर्चा किया भी था कि और भी किस प्रकार से हो सकता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा गया कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है, तो आपसे ये सभी का वैल्यू पूछा गया है दोस्तों। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें सिलेक्शन करने के लिए टाइम बर्बाद करने की दोस्तों नहीं है जरूरत। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम माइनस बी की तरफ आते हैं कि ये माइनस दिया गया तो इसी से हम पैटर्न पकड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी सी जो हुआ उसको हम राइट साइड में ले जाकर के माइनस कर सकते हैं। तो कंडीशन को ही पहले हम सॉल्व करते हैं। कंडीशन में ए बी रख देते हैं और प्लस सी ए और बराबर कर देते हैं माइनस बी सी, क्योंकि इस बी सी को हमने राइट साइड में ले गया यानी 0 की तरफ ले गया। तो अब यहां पर पूछ रहा है कि ए स्क्वायर, दोनों तरफ ए स्क्वायर जोड़ देंगे तो अब ये होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी तो ऑलरेडी यहां पर है और प्लस सी ए ये तो ऑलरेडी यहां पर है, बराबर इधर भी ए स्क्वायर जोड़ दिया और माइनस बी सी तो ऑलरेडी है ही। तो अब हमें करना क्या चाहिए दोस्तों, अब होगा ये ए कॉमन हो जाएगा और a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी सी। अब एक बात ध्यान रखना है दोस्तों कि a प्लस बी प्लस सी अगर आया तो वो तीनों में आएगा, लेकिन जिस पर स्क्वायर है वो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे हमें पैटर्न मिल गया। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमें कि ए स्क्वायर माइनस बी सी के रूप में पूछा गया है, फिर उसके बाद पूछा गया है कि 1 बाई बी स्क्वायर माइनस सी ए के बारे में या ए सी के बारे में और 1 बाई सी स्क्वायर माइनस ए बी के बारे में। तो क्वेश्चन ये अब हमारा क्या हो गया, ये हो गया 1 बाई ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। उसी प्रकार से बी स्क्वायर में से माइनस हो रहा है तो बी से मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां सी स्क्वायर में से माइनस हो रहा है तो 1 बाई सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब जब हम एलसीएम लेते हैं इसका तो एलसीएम होता है ए बी सी
और मल्टीप्लाई होता है ए प्लस बी प्लस सी। जब ए इंटू बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करके यहां पर डिवाइड करते हैं तो बचता है बी सी, तो बी सी लिख दिया। जब बी से डिवाइड करेंगे और ए प्लस बी प्लस सी, तो ये बचता है अब सी ए, और प्लस जब सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करते हैं तो बचता है अब ए बी। तो अब यहां पर बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी जो दिया गया है वो कितना है दोस्तों, जीरो। यानी जीरो में हमें डिवाइड करना पड़ेगा ए बी सी और मल्टीप्लाई में ए प्लस बी प्लस सी से। किसी भी संख्या में जीरो से डिवाइड करेंगे लेकिन जीरो छोड़ के या इन्फिनिटी छोड़ के, तो उसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है। यानी इसका आंसर जीरो होगा, यानी ऑप्शन थर्ड जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसी प्रकार से जब नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नए क्वेश्चन के रूप में जो दिया गया है किस प्रकार से दिया गया है हमें उस पर विचार करना चाहिए कि एक्स क्यूब है और थ्री बाई एक्स है और इजिकल टू इतना है फिर इतना, और तब पूछ रहा है कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का मान क्या है। दोस्तों अगर थ्योरेटिकली वेस्ट से अगर क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों तो ये क्वेश्चन काफी लेंदी बनेगा, काफी समय ले लेने वाला होगा। इसे हम क्या करते हैं, जल्दी से बनाने के लिए सोचते हैं कि जल्दी से बनाए कैसे। तो कंडीशन जो दिया गया कि ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स बराबर लिखा गया फोर और ए क्यूब और प्लस बी क्यूब। अब ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों एक्स बराबर अब क्या रखेंगे, वन रखेंगे। तो जब पहला कंडीशन में वन रखा आपने तो दूसरा कंडीशन में भी वन रखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अब ये हो जाएगा वन का पावर थ्री और थ्री बाई वन बराबर हो गया फोर इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो गया। अब यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख दे दोस्तों और बराबर मल्टीप्लाई फोर लिख दे, तो तीन प्लस एक मिलकर के कितना हुआ, चार, चार से चार काट दिया, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना आ गया, वन। सिमिलरली इसी प्रकार से हमें जो दूसरा कंडीशन दे दिया गया है, ये दिया गया थ्री एक्स और प्लस वन बाई एक्स क्यूब और बराबर लिखा फोर इंटू ए क्यूब और माइनस बी क्यूब। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों यहां भी हम x बराबर 1 रखेंगे क्योंकि LHS वाला दूसरा पहला वाला कंडीशन में रखा, तो दूसरा में भी वैसा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये कैसे होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1 का पावर कितना हो जाएगा, 1 बाई 1 का पावर 3 हो जाएगा। तो बराबर ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई ये होगा ए क्यूब और माइनस बी क्यूब। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये यहां पर 30 नहीं समझना है, ये इसका पावर थ्री है, ये थ्री पावर कर देते हैं। तो अब यहां पर फोर मल्टीप्लाई ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब और बराबर हो गया फोर, क्योंकि ये तीन हो गया प्लस एक मिलकर के कितना हुआ, चार, चार से ये कट गया। तो इस हिसाब से ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या हो गया, वन। अब देखिए दोस्तों यहां पर इस कंडीशन को जो लाया है हमने, यहां पर लिख लीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर कितना आ गया, वन। या तो आप दोनों से a और b का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो चलिए जोर भी लेंगे तभी भी वैल्यू निकल जाएगा, ऐड कर देते हैं। तो 2a क्यूब बराबर हो गया 2, इससे कट गया, तो a क्यूब बराबर हो गया 1, तो इसका मतलब a बराबर कितना निकला, 1 निकला। अब हम a का वैल्यू जब 1 रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो 1 का पावर 3 यानी a का पावर 3 प्लस b का पावर 3 बराबर 1, 1 से 1 कट गया, तो इस हिसाब से b का वैल्यू कितना निकला दोस्तों, जीरो निकल गया। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, therefore पूछा जा रहा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान बताइए। तो a का मतलब है 1 यानी 1 का स्क्वायर, b का मतलब है 0 यानी 0 का स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 1, यानी 1 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से ऑप्शन 3 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये दिया गया कि x प्लस वन का क्यूब है माइनस एक्स माइनस वन का क्यूब। क्यूब वाला फॉर्मूला पे सबसे पहले हम यूज करेंगे दोस्तों कि क्यूब वाला फॉर्मूला हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आपके पास a प्लस बी का क्यूब है, ये फॉर्मूला है, और उसमें से माइनस कर रहे हैं, किसको माइनस कर रहे हैं, तो a माइनस बी को क्यूब को कर रहे हैं। तो इस पूरे पोर्शन को ही आप x मान लीजिए और a माइनस बी को y मान लीजिए, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी यानी a प्लस बी में से a माइनस बी घटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2b का पावर 3 यानी ये हो जाएगा a प्लस बी का क्यूब। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्लस 3ab, तो प्लस 3ab, ab का मतलब a मल्टीप्लाई b यानी a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू ए माइनस बी यानी पहला में से ए प्लस बी में से ए माइनस बी को घटाएंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं
टू बी, यानी इस रूप में हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो अब यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन यह है कि x प्लस वन का पावर थ्री है और माइनस एक्स माइनस वन का पावर थ्री दे दिया गया, और बाई में क्या लिखा गया, बाई में लिखा गया x प्लस वन का स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर, बराबर क्या दे दिया गया दोस्तों, ये दो दे दिया गया है। तो बिल्कुल सेम रूल को यूज करेंगे, यहां पर b का काम कर रहा है कौन, वन, और a का काम कौन कर रहा है, x। तो यहां पर लिखा टू बी का क्यूब, मतलब दो मल्टीप्लाई बी, बी का मतलब क्या है, वन, तो वन का क्यूब हो गया, और माइनस ये प्लस ये लिखा गया थ्री इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी, बी का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई टू बी यानी टू मल्टीप्लाई वन, और बाई में क्या लिखा गया, बाई में हमारे पास जो फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मूला है कि ए प्लस बी का स्क्वायर है माइनस अगर ए माइनस बी का स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं फोर ए बी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पहले वीडियोज में हमने चर्चा किया था इस पर। तो यहां पर एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए, और b की जगह यानी 1 की जगह b रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4ab और बराबर लिखा गया है 2। अब फिर इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, यहां तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, यानी 6x स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसी 6 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 4x और मल्टीप्लाई दो, यानी इसको हम लिख सकते हैं 8x। अगले स्टेप में इसे हम लिखना चाहे तो ये लिखा जाएगा 6x स्क्वायर और माइनस 8x, और 8 में से 6 माइनस हो गया तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 2 और बराबर 0। अब इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन भी कर लीजिए आप, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 का वैल्यू कितना, 0 आ गया। अब यहां पर 1 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 होता है प्लस में, और उसके बाद माइनस में अगर इसको रखा जाए 1 को और 3 को, तो दोनों ऐड करने पर माइनस 4 के रूप में आ सकता है। तो इसका अब हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर और माइनस लिख सकते हैं 3x, फिर लिख सकते हैं माइनस एक्स और फिर लिख सकते हैं वन, इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो अगले स्टेप में हमें इन दोनों में से थ्री कॉमन हो सकता है और इसमें से माइनस वन कॉमन हो सकता है, तो थ्री एक्स कॉमन कर लिया तो हमारे पास अब बच रहा है थ्री एक्स इंटू एक्स माइनस वन। अब हमने माइनस वन कॉमन कर लिया तो फिर आ गया एक्स माइनस वन, दोनों टर्म में एक्स माइनस वन हमें कॉमन दिया गया है, तो एक्स माइनस वन कॉमन कर लेते हैं, तो अब ये बचता है थ्री एक्स माइनस वन बराबर जीरो। तो एक्स का मान हो जाएगा या तो वन या फिर हो जाएगा वन बाई थ्री। जब एक्स माइनस वन बराबर जीरो तो एक्स का मान वन होगा, और थ्री एक्स माइनस वन बराबर जीरो तो इसका मतलब एक्स का मतलब क्या होगा, वन बाई थ्री। तो इस अकॉर्डिंग एक्स का दो मान आ गया, तो एक आ गया एक बाई एक, अंश हो गया एक, हर हो गया दो। तो जब दोनों का सम पूछा है यानी योगफल की बात कर रहा है, तो योगफल करेगा तो एक प्लस एक यानी आंसर क्या होना चाहिए, दो, जो कि ऑप्शन में कोई है ही नहीं। तो अब हमें किसका लेना पड़ेगा, एक्स बराबर लेना पड़ेगा वन बाई थ्री, जिसमें वन जो है वो अंश है और थ्री जो है वो हर है। तो इस हिसाब से अगर हम योग निकालेंगे, योगफल, तो एक प्लस तीन निकालते हैं तो इसका वैल्यू होता है चार, यानी चार जो होगा योगफल होगा वो करेक्ट आंसर होगा, इसका मतलब ऑप्शन सेकेंड जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में दिया गया है कि 1 बाई पी प्लस 1 बाई क्यू इज इक्वल टू 1 बाई पी प्लस क्यू, तो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो जो कंडीशन दिया गया पहले उसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। कंडीशन के बाद का स्टेप में लिख रहा हूं कि अगर एलसीएम में पी क्यू रख दिया जाए, यानी इस पी का और इस क्यू का एलसीएम ले लिया जाए, तो ऊपर में हो जाएगा क्यूब और प्लस पी, और बराबर हो जाएगा वन बाई, ये हो जाएगा पी प्लस क्यूब। अब क्या करना चाहिए दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यह हो जाएगा पी प्लस क्यूब, यानी यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा दोस्तों, पी प्लस क्यूब का स्क्वायर, तो पी प्लस क्यूब का स्क्वायर और बराबर लिख दिया गया पी क्यूब। अगर हम पी प्लस क्यूब का स्क्वायर को तोड़ते हैं तो पी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में टूटेगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस टू पी क्यूब, और पी क्यूब जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड में आएगा, तो माइनस पी क्यूब बराबर हो जाएगा जीरो, यानी अब आपके पास हो गया पी स्क्वायर उसके बाद प्लस पी क्यूब
और प्लस क्यू स्क्वायर बराबर जीरो। अब आपसे पूछा गया कि इसका मान क्या है, पी क्यूब माइनस की क्यूब का मान क्या दिया गया है। तो फॉर्मूला लिखते हैं दोस्तों, पी क्यूब माइनस की क्यूब यानी क्यूब का क्यूब, तो ये फॉर्मूला होता है पी माइनस क्यूब यानी ए माइनस बी के रूप में, और पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब और प्लस क्यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। जब आपको यही जीरो दे दिया गया यानी कि p माइनस क्यूब कुछ भी हो और मल्टीप्लाई जीरो कर दिया गया, यानी फाइनली आंसर क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए, यानी ऑप्शन फोर जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया दोस्तों कि x का पावर 4 है और 1 बाई एक्स का पावर 4 ये 119 दिया गया, x बोला है ग्रेटर देन है 1 यानी 1 से बड़ा है, तो इसका वैल्यू दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले जो कंडीशन दिया गया उस कंडीशन को लेते हैं कि x का पावर 4 है और प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 बराबर दे दिया गया 119। अब हमें क्या करना चाहिए कि पावर इसका जो है वो आधा आधा हम लोग कर लेते हैं, यानी पावर आधा करेंगे तो क्या करना चाहिए, पावर चार जो है वो पावर अब आधा यानी दो होगा, यानी अगर पावर आधा कर लिया हमने तो क्या करना पड़ेगा, 119 में दो जोड़ के स्क्वायर रूट, यानी 119 में दो जोड़ दिया और स्क्वायर रूट, तो ये तो हो गया दोस्तों 121 हो गया, यानी इसको लिख देते हैं हम 121, ये बाई के रूप में इसको नहीं समझना है, ये इसका वैल्यू जो है 121 हो गया, यानी इसका वैल्यू कितना होगा 11, यानी एक्स स्क्वायर यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू दोस्तों कितना आ गया 11 आ गया। अब हमें फिर पावर आधा करना चाहिए, पावर आधा करना चाहिए लेकिन हमें जो कंडीशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग भी चलना चाहिए, तो माइनस वाले की जरूरत है एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, तो माइनस के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो क्या हम एक्स माइनस 1 बाई एक्स अगर लिखे तो क्या करना चाहिए, जब प्लस कर रहे थे तो यहां प्लस 2 कर रहे थे, अगर हम माइनस यहां पे कर रहे हैं तो 11 में से 2 माइनस करना पड़ेगा और तब स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो 11 में से 2 कर लिया माइनस और स्क्वायर रूट कर लिया, तो x माइनस 1 बाई एक्स का मतलब दोस्तों ये हो गया 9 और 9 का वैल्यू कितना हो गया रूट 3। तो अब हमारे पास फॉर्मूला के रूप में ये यूज किया जा सकता है कि अब इसको हम 3 को k मान करके चलते हैं, तो कंडीशन जो आपका दिया हुआ रहता है कि यदि x माइनस 1 बाई एक्स बराबर अगर k है, तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू क्या है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा k का पावर 3 और मल्टीप्लाई 3k, यानी हम इस रूप में इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो अब यहां पर k कितना दिया गया दोस्तों 3, तो 3 जब दे दिया गया तो इस हिसाब से एक्स क्यूब और माइनस 1 बाई एक्स क्यूब पूछा गया, तो के क्यूब, के का मतलब हो गया 3 का पावर 3 और प्लस 3 मल्टीप्लाई के का मतलब कितना है 3 है, तो इसको रख देते हैं 3, तो 3 का पावर 3 का मतलब होता है 27 और 3 गुने 3 का मतलब होता है 9। अब उसके बाद 27 को 9 से जोड़ते हैं तो आंसर होता है 36, यानी 36 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यानी जो थर्ड ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास कि x प्लस वाई बराबर 15 है और इसकी वैल्यू निकालने के दिया गया, तो जो कंडीशन दिया गया सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर दे दिया गया 15, तो इस 15 को हम 10 प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि x के साथ 10 को लिखा जाना है, तो ये 10 अब x के साथ आएगा, यानी इसे लिखा जा सकता है x माइनस 10 और बराबर में इस 5 में से y को माइनस करेंगे राइट साइड में जाएगा, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है। इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो इसको y माइनस 5 के रूप में हम लिख सकते हैं। अब जो जरूरत है दोस्तों उस जरूरत के अकॉर्डिंग चलेंगे, दोनों तरफ अगर हम क्यूब कर ले यहां पर, तो x माइनस 10 का पावर अगर हम 3 कर लेते हैं तो इसका मतलब माइनस और y माइनस 5 और इसका पावर हम 3 कर ले, तो इसका वैल्यू होगा दोस्तों माइनस में होगा, क्योंकि माइनस है पावर ऑड है यानी विषम पावर है तो माइनस ही रहेगा, और वाई माइनस 5 का पावर दोस्तों हो जाएगा ये 3। तो अब जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि एक्स माइनस 10 का पावर 3 है और प्लस वाई माइनस 5 का पावर ये भी है 3, तो एक्स माइनस 10 का पावर 3 का वैल्यू कितना है माइनस वाई का माइनस 5 और उसका पावर 3, तो इसे लिख सकते हैं माइनस y माइनस 5 का पावर 3 और प्लस y माइनस 5 का पावर 3, दोनों बराबर है दोस्तों, सेम टू सेम है, बस
और साइन अपोजिट है, इसलिए दोनों का मतलब क्या हो गया, जीरो आंसर होगा, यानी प्लस एक माइनस, तो आंसर जीरो होगा। इसका मतलब ऑप्शन फोर जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि ए बी सी ये धनात्मक मान है, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर एक है तो पूछा रहा है कि इसका न्यूनतम मान क्या होगा। दोस्तों जब भी न्यूनतम मान के बारे में बात करें तो पहले इस कंडीशन को लेते हैं कि अगर यह a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है तो हम सभी को a बराबर बी बराबर सी मान लेंगे, और इसमें जो राइट साइड में लिखा गया है यानी 1, उसमें हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहां पर 3 टर्म है, जितने टर्म रहेंगे उतने टर्म से डिवाइड कर देंगे। तब आपको ये पता भी चल रहा है कि क्या हम एक की जगह पर 1/3 रखें, बी की जगह 1/3 रखें और सी की जगह 1/3 रखें, तो जोड़ने पर यह 1 + 1 + 1/3 यानी आंसर, यानी कि कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। तो इस हिसाब से ए का वैल्यू हमारे पास आ गया 1/3, तो क्या 1/a कर दें, उल्टा कर दें इसे, तो 1/a का मतलब ये हो गया 3। उसी प्रकार से बी का वैल्यू जो आ गया ये आ गया 1/3, तो 1/b का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 3। अब ये सी का वैल्यू आ गया 1/3, तो 1/c का मतलब आ गया 3। तो अब बोला है कि इसका न्यूनतम मान क्या है, यानी कि मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी का न्यूनतम मान करता तो इसको ऐड कर देते। अब पूछा जा रहा है कि इसका न्यूनतम मान क्या है, यानी न्यूनतम मान पूछा कि 1/a है प्लस 1/b है प्लस 1/c है, तो इसका वैल्यू होगा 3 + 3 + 3 यानी 3 × 3 = 9, यानी टोटल कितना आंसर होगा दोस्तों, 9 होगा, यानी न्यूनतम मान इसका 9 होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया कि इतना कंडीशन दे दिया और बोला कि ये क्या वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले जो कंडीशन दिया गया उस कंडीशन को ही तोड़ना पड़ेगा। कंडीशन में दिया गया है कि x × x − 3 बराबर लिखा गया -1, तो x से हम डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो ये x तो खत्म हो जाएगा, तो अब ये हो गया x − 3 बराबर -1/x। अब 1/x को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो क्या इसे हम x + 1/x लिख सकते हैं अब, और -3 जो है राइट साइड में आएगा तो वो +3 लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन यहां 3 की चर्चा कर रहा है, तो कुछ भी नहीं, 3 चर्चा जैसे ही कर रहा है, आप 3 डायरेक्ट आप निकाल लीजिए, उसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ये फॉर्मूला की रूप में हम यूज करेंगे कि अगर x + 1/x को अगर हम k माने, तो क्वेश्चन अगर हमें x³ + 1/x³ अगर निकालना हो, तो इसका मतलब फॉर्मूला होता है k³ − 3k, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो k की जगह पर यहां कितना है, 3 है, तो x³ + 1/x³ का मतलब हुआ 3³ और −3 × 3, यानी अगले स्टेप में x³ + 1/x³, ये तो 27 हो गया, 27 में से 9 माइनस होगा दोस्तों, तो ये कितना होगा, 18 होगा। 18 को आप लेफ्ट में ले जाएंगे तो x³ − 18 हम लिख सकते हैं, और इस वाले पोर्शन को राइट साइड में ले जाएंगे तो −1 हम x³ लिख सकते हैं। अब ये x³ जो है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होने पर ये हो गया x³, और मल्टीप्लाई इसको लिख सकते हैं x³ − 18 और बराबर क्या हो जाएगा, −1, यानी ये x³ मल्टीप्लाई हो गया x³ − 18 से, तो राइट साइड में −1, और यही हमें से पूछ रहा था कि x³ × x³ − 18 यानी ये इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका आंसर हो गया −1, मतलब ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा मित्रों। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि a² + b² + c² = ab, bc और ca हो, तो पूछा गया कि इसका मान क्या होगा दोस्तों। तो सबसे पहले इस कंडीशन के रूप में मैं 3 कंडीशन लिख दे रहा हूं कि अगर यदि कंडीशन के रूप में a² हो जाए प्लस b² हो जाए और प्लस c² हो जाए और बराबर ab + bc + ca दे दिया जाए, या फिर और के रूप में लिख लेते हैं कि अगर 1/a² फिर उसके बाद 1/b² या फिर 1/c² बराबर 1/ab दे दिया जाए, या फिर 1/bc दे दिया जाए, या 1/ca दे दिया जाए, या फिर और अगर मान लेते हैं इस कंडीशन के रूप में इसको इस प्रकार से, अगर 3 × a² + b² + c² बराबर, अगर आपके पास यह
ए प्लस बी और प्लस सी का स्क्वायर अगर ये दे दिया जाए दोस्तों, यानी इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर आपको दे दिया जाता है तब देन आपको क्या मानना है, ये मानना है कि a बराबर b बराबर c होगा। यानी इस तीनों कंडीशन के लिए आप a बराबर b बराबर c मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि इसको हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में बताया भी था कि कैसे तोड़ा जाता है, फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि इसको कैसे तोड़ा जाता है। तो यहां पर हमें डायरेक्ट ये समझना है कि तीनों को बराबर मानना है, और बराबर मानने के क्रम में वो बराबर आप कुछ भी मान सकते हैं, वन मान सकते हैं, दो मान सकते हैं, जीरो छोड़ करके जो भी मानना है आप मान सकते हैं, यानी बराबर होना चाहिए। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये पूछा है कि a प्लस सी और बाई में b का वैल्यू क्या होगा। तो a का मतलब तो a हो गया, c का भी मतलब हम a ही मान के चल रहे हैं, और b का भी मतलब हम a मान के चल रहे हैं, क्योंकि तीनों क्या है, बराबर है। तो इस हिसाब से 2a बाई a लिख सकते हैं, a से a कट गया, यानी 2 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन 2, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बारे में भी दोस्तों हमने चर्चा किया था कि ये किस प्रकार से फॉर्मूला काम करेगा। जैसे याद नहीं होगा फर्स्ट वीडियोस में मैंने बताया था, फर्स्ट वीडियो आप लोग देख लेंगे फर्स्ट वीडियो में कि कैसे इसको मैंने फॉर्मूला के रूप में इसको बताया था। तो अगर मान लीजिए मैं फिर से चर्चा कर रहा हूं इसको कि a का पावर 4 हो जाए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाए और बी का पावर 4 हो जाए दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस यहां पर होता है या बी स्क्वायर और मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसको हम फॉर्मूला के रूप में दोस्तों लिख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है आपका उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। क्वेश्चन में ये है ए स्क्वायर और प्लस ए एक्स, यहां पर एक्स को अगर मान लेते हैं कि अगर हम बी के रूप में अगर कंसिडर कर लें तो क्या होगा, बिल्कुल भी सेम यही हो गया, बी ए बी का जगह पर ए एक्स और बी स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर, उसी प्रकार से ये हो गया। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है यहां पर दोनों को हमने क्या कर दिया कि एक साथ चाहे तो हम लिख सकते हैं। तो एक साथ लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ही इसका करना पड़ेगा। तो चलिए लिख देते हैं, एलसीएम कर लेते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस ए एक्स लिख लेते हैं और प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए एक्स लिख लेते हैं और प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं दोस्तों। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, और प्लस जो अगला टर्म है वो तो रहेगा ही, तो इसको भी चलिए लिख लेते हैं। ये 2ax हो गया और ये हो गया a का पावर 4, ये हो गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स का पावर 4। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई दोस्तों ये होता है बिल्कुल, तो मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे, लेकिन अब इससे डिवाइड करेंगे इस पूरे टर्म में, तो माइनस वाला टर्म लिखाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, फिर अगला लिखा है माइनस, उसके बाद जब माइनस वाले टर्म से डिवाइड करते हैं तो प्लस वाला टर्म बचेगा, यानी ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये टर्म हमारा बचेगा। फाइनली इसको हम जब लिखेंगे तो इसको लिखा जा सकता है अब ए स्क्वायर माइनस, इसको लिखा जा सकता है ए एक्स प्लस, ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर, और बाई में ये हो जाएगा ए का पावर 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स का पावर 4 और प्लस 2ax, इसे आप लिख लीजिए, और ये होगा ए का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स का पावर 4। इसमें से ए स्क्वायर प्लस माइनस कटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कटेगा। अब हमारे पास क्या बच गया यहां पर, अब यहां पर दोनों सेम टर्म है, क्योंकि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा वैल्यू यहां पर आ गया हुआ है। तो अब डिनोमिनेटर यानी कि हर वाला पार्ट है दोनों का सेम हो गया, यानी ए टू द पावर 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और x का पावर 4 दोनों सेम हो गया। तो माइनस ए एक्स और माइनस ए एक्स दोनों मिलकर के क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया माइनस 2ax, बीच में ये प्लस है तो प्लस लिख दिया और फिर लिखा गया 2ax, तो 2ax और माइनस 2x जीरो हो गया। तो अगले स्टेप में जीरो और बाई में जो डिनोमिनेटर में डिवाइड करने वाला था वो तो था ही, तो फाइनली इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, जीरो हो गया, यानी जीरो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन 4 जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। जो हमारा क्वेश्चन दिया गया कि x इज इक्वल टू है 11 है,
हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया उस पर चलते हैं कि x बराबर 11 दे दिया गया, इसका मतलब x माइनस 11 बराबर हो गया 0, यानी x माइनस 11 को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन दिया गया है x का पावर 5 माइनस 12 x का पावर 4 और प्लस 12 x का पावर 3 दे दिया गया और माइनस 12 x स्क्वायर दे दिया गया प्लस 12 x दे दिया गया और माइनस 1। अब इसमें से हमें सभी टर्म में से जितना भी 12 12 दिख रहा है उस सब को 11 करने का कोशिश करेंगे। तो अगले स्टेप में x का पावर 5 लिख देंगे हम माइनस 11 x का पावर 4, अभी भी एक बचा हुआ है तो माइनस 11 का पावर 4, इसका काम खत्म। अगले स्टेप में 12 x का पावर 3 लिखा था, तो इस 12 x का पावर 3 को हम लोग क्या करेंगे, 11 लिख देंगे, यानी 11 x का पावर 3 अभी भी एक बचा हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं x का पावर 3। अगले स्टेप में माइनस 12 एक्स स्क्वायर लिखा, तो इसको हम माइनस 11 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 12 एक्स को हम 11 एक्स लिख सकते हैं और फिर प्लस एक्स और माइनस 1 लिख सकते हैं दोस्तों। तो अब इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें करना क्या है कि इस दो पोर्शन में हमें x का पावर 4 कॉमन कर लेना है। तो x का पावर 4 कॉमन कर लिया तो x माइनस 11 आ गया। उसी प्रकार से इन दोनों में x का पावर 3 लेकिन माइनस में कॉमन करना है, तो x का पावर 3 कॉमन होने पर x माइनस 11 हो गया। उसी प्रकार इन दोनों में हम यहां पर x स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 11 लिख सकते हैं। अब इन दोनों पोर्शन में माइनस x कॉमन करेंगे तो x माइनस 11 लिख सकते हैं। अब लास्ट में कौन बच जा रहा है, x बच जा रहा है और माइनस 1। तो x माइनस 11 जो है वो तो 0 है वैल्यू, तो इसका मतलब ये 0, इसका वैल्यू 0, फिर उसके बाद माइनस 0, इसका वैल्यू 0, फिर इसका भी वैल्यू 0 कर देते हैं और माइनस इसका भी वैल्यू 0 कर देते हैं और प्लस x का वैल्यू आप 11 अब रख सकते हैं, तो 11 माइनस 1, तो ये तो सब 0 हो गया, 11 में से 1 घटेगा तो आंसर कितना हो गया दोस्तों, 10, यानी कि ऑप्शन सेकेंड जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया कि x इज इक्वल टू 93, y इज इक्वल टू भी 93 और z इज इक्वल टू भी 94 दे दिया गया, तो पूछा गया कि इसका मान क्या है। तो सबसे पहले जो पूछा गया है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है आपके पास कि x स्क्वायर है माइनस y स्क्वायर है और प्लस में लिखा गया 10 और एक्स जेड लिख दिया गया और प्लस 10 वाई जेड यहां पर लिख दिया गया है। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या है दोस्तों, उस पर आते हैं हम। इन दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई, प्लस इन दोनों पोर्शन में हम 10z कॉमन कर लेंगे, तो 10z कॉमन कर लेंगे तो यह बच गया हमारे पास अब एक्स प्लस वाई। अब इस दोनों में एक्स प्लस वाई कॉमन है तो हम एक्स प्लस वाई कॉमन कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस वाई और प्लस 10z। अब दोस्तों जो भी वैल्यू दिया गया है वो वैल्यू आप चाहे तो आप रख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 93 और प्लस 93 और यहां पर हो गया 93 माइनस y का वैल्यू कितना है दोस्तों, ये भी है 93, यानी 93 माइनस 93 और प्लस 10 मल्टीप्लाई z का वैल्यू कितना है, ये है 94। तो अब हमें 93 तो माइनस प्लस कट गया, तो 93 और प्लस 93 दोनों जोड़ करके दोस्तों कितना हो जाएगा, ये आ गया 186 और मल्टीप्लाई ये बच रहा है अब आपका 10 और मल्टीप्लाई कितना बच रहा है 94। तो अब अगर हम 94 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 484 और उस पर 10 है तो एक जीरो डाल सकते हैं, यानी 17, 48 और 40। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, 17, 48 और 40, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आ गया है दोस्तों कि बीसी एबी सी ए बराबर एबीसी दे दिया गया, तो इन सभी का वैल्यूज हमें पूछ रहा है। तो जो भी वैल्यूज पूछा जा रहा है दोस्तों, उस पूछे जाने से पहले जो कंडीशन लिखा गया है कि बीसी को अगर ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एबीसी होगा और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बीसी, यानी एबीसी में से बीसी घटाने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन को ही कंडीशन पकड़ के हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि यह है बीसी प्लस एबी प्लस सीए और बराबर लिखा गया एबीसी। अब हमें करना क्या है इसमें
कि BC प्लस AB प्लस CA बराबर ABC लिख दिया गया, तो इस BC को ही आप राइट साइड में ले जाएंगे, तो AB प्लस CA बराबर हो गया यह ABC और माइनस BC। इस BC में दोस्तों BC कॉमन है तो इसे लिखा जा सकता है A माइनस वन। इसको जब उल्टा करेंगे हम लोग तो, और इसमें आपको पहले कॉमन क्या है, पहले कॉमन कर लेते हैं, इन दोनों में भी A कॉमन है, तो A कॉमन कर लिया तो यह B प्लस C हो गया और बराबर BC और A माइनस वन लिख सकते हैं दोस्तों। तो अब इसको लिखा जा सकता है B प्लस C, इसमें इस वाले पोर्शन से आप डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा BC और A माइनस वन बराबर हो गया वन बाई A। मतलब जो क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है उसको अकॉर्डिंग इसका वैल्यू कितना आ गया, माइनस वन बाई ए, यानी जिसमें से ये माइनस हो रहा है उतना ही वो ए के वन के नीचे चला जाता है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये है आपका बीसी और बाई में लिखा गया बीसी और ए माइनस वन प्लस अगला स्टेप है ए प्लस सी और ए सी इंटू बी माइनस वन, अगला स्टेप है ए प्लस बी और बाई में क्या है ए बी इंटू सी माइनस वन। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया हुआ है। तो दोस्तों जिसमें से ये घट रहा था उसका वैल्यू वन बाई ए आया था, तो इसकी जगह पर वन बाई ए, यहां बी में से माइनस हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे वन बाई बी, अगले स्टेप में सी में से माइनस हो रहा है तो इसको लिखेंगे हम वन बाई सी। जब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों तो ये हो जाता है ए बी सी एल सी एम, तो ऊपर हो जाएगा बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, और हमें पता है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना है ए बी सी, यानी हमें ऊपर वाला का जो वैल्यू है ये लिखेंगे हम ए बी सी, यानी ऊपर वाला जो नोमरेटर है ए प्लस बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए उसका वैल्यू रखेंगे ए बी सी, और बाई में तो ऑलरेडी ए बी सी है, दोनों कट के आंसर क्या हो गया वन हो गया आंसर। इसका मतलब ऑप्शन फोर जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से दोस्तों जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये लिखा गया है कि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ये लिखा गया कि इतना है फिर इतना प्लस इतना बड़ा बड़ा सा दिख रहा है और बराबर वन है, पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू दोस्तों क्या है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए दोस्तों तो थ्योरेटिकली आप नहीं बनाएंगे, थ्योरेटिकली में आप क्या जाएंगे, आपको ये पता है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ऊपर में ए स्क्वायर नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो सबका सेम है, इसका मतलब हमें इस बीसी को हटाना है, तो सबकी तरफ अगर वन वन जोड़ दें तो बी से बीसी कटेगा तो हम आंसर पे आ सकते हैं दोस्तों। इससे ज्यादा अच्छा है दोस्तों कि जो बार बार रिपीट हो चुका है या तो ए को या फिर बी को या फिर सी को, किसी एक को आप जीरो मान लो, तो अब क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम सी को ही जीरो मान लेते हैं, तो जैसे ही सी को जीरो मान लिया तो अब ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस जीरो इस टर्म को लिख सकते हैं हम, प्लस दूसरे टर्म को बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जीरो लिख सकते हैं क्योंकि इसे ए सी है, यहां पर सी जीरो है, अगले स्टेप में ये पूरा सी जीरो है तो ये पूरा ही जीरो लिख देंगे इसको। तो अब क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया ए स्क्वायर और बाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर, इससे कट गया एक टाइम, इससे कट गया एक टाइम, तो इसका मतलब वन प्लस वन यानी हमारा आंसर कितना हो गया दोस्तों, दो आंसर हो गया। इतना टफ क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट एक दो लाइन में आप कर सकते हैं, जीरो मान करके दो आंसर करेंगे। दूसरा मेथड से भी अगर सब में वन प्लस वन प्लस वन करके भी बनाते तब भी दो आंसर आता और वो थोड़ा इससे लेंदी चला जाता, लेकिन उससे भी आंसर करेक्ट पर पहुंच सकते हैं, यानी ऑप्शन फोर्थ जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंडीशन दे दिया गया है और तब उसके बाद पूछा गया कि इसकी वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले कंडीशन दिया गया उस कंडीशन को ही सॉल्व करते हैं। तो 3 माइनस 5x और बाई में लिखा गया 2x और प्लस 3 माइनस 5y और बाई में क्या लिखा गया 2y और प्लस 3 माइनस 5z और बाई में क्या लिखा गया 2z बराबर क्या लिखा गया 0। तो अब हम 2x से 3 में डिवाइड करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है 3 बाई 2x और माइनस 5x में 2x से डिवाइड कर देंगे। उसी प्रकार से 3 में हम 2y से डिवाइड करेंगे और माइनस 5y में हम 2y से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार 3 में हम 2z से डिवाइड करेंगे और माइनस 5z में हम 2z से डिवाइड करेंगे तो बराबर क्या है 0। यहां z से z कट गया, y से y कट गया, उसी प्रकार x से x कट गया। तो इन सभी टर्म्स में दोस्तों हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 बाई 2 सब में दिख रहा है तो सभी में हम 3 बाई 2 कॉमन करेंगे तो ये आएगा अब 1 बाई एक्स 1 बाई वाई और 1 बाई जेड।
अब उसके बाद राइट साइड में ये 5/2 जाएगा x वाला पोर्शन, फिर प्लस में y वाला जो हमने काटा है वो 5/2 जाएगा, फिर z में जो कटा है वो 5/2 जाएगा। तो अब आपके पास जो आंसर आएगा 3/2 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर आएगा, तीन बार है तो 3 × 5/2 लिख सकते हैं, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। तो अब हमें मांगा गया है 2 से मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जेड, तो क्या करेंगे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2/x, फिर ये हो जाएगा 2/y, ये हो जाएगा 2/z, और जब 5 को 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 10। यानी ये हमें पूछा गया, और इसका वैल्यू कितना आया दोस्तों, ये 10 आया, यानी ऑप्शन थर्ड जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से दोस्तों नए वीडियोस में हम लोग कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।